गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज वर्षा पठारे, वेलकम टू रघुवंश गवर्नमेंट स्कूल। क्लास 10 सब्जेक्ट है आपका हिंदी। गौ श्रीनगर से श्रीनगर तक, ये एक यात्रा वर्णन है, सुंदरता का वर्णन है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का इसमें वर्णन किया गया है कि कश्मीर की सुंदरता को बताया गया है कि कश्मीर स्वर्ग से भी सुंदर जो है, भारत का जो स्वर्ग है वहाँ कश्मीर में बसता है, उसके बारे में बताया गया था। तो मैंने ये चैप्टर आपको थोड़ा सा समझा दिया था, डेढ़ पेज हो गया था लगभग। 63 पेज नंबर पर सेकेंड पैराग्राफ अपन पढ़ रहे थे। प्रकाश धारा बहती सीटी बस्ती, बांस सीटी बस्ती बस सुरंग पथ से आगे बढ़ रही थी। रोमांचकारी दृश्य था, मानव शक्ति से यात्रा शक्ति की श्रेष्ठता को मानते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। विचारों की डुबकी लगाए रहने से पता नहीं चला कि जवाहर सुरंग हमने कब पार कर ली। अब बस उतर पर चलने की लगी और नए समतल स्थान कांजीगुंड से श्रीनगर की यात्रा समतल थी, इसलिए बड़ी तेजी से चल रहे थे। पर्वतीय भूमि की जगह भारत के अन्य नगरों के समान किसी नगर का चक्कर लगाने का ही अनुभव हो रहा था। 2 घंटे में हम श्रीनगर पहुंचे। कश्मीर की राजधानी ज्योतिर्मय नगर श्रीनगर की रजकर्ण को प्रणाम कर मैंने अपने को धन्य माना। वर्षों की अभिलाषा जब किसी दिन सफल होती है तब वह आनंद केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। बर्फ और केसर के नगर में कदम रखने पर मेरी पहली मानसिक प्रक्रिया इस सुयोग पर भगवान को धन्यवाद देने की थी। मतलब उनका जाने का बहुत मन था, तो वहाँ पहुँचकर जब इंसान जिस जगह पर बहुत जाना चाहता हो उस जगह पर पहुँच जाता है तो भगवान को वो धन्यवाद करता है। साफ सुंदर पर्यटन केंद्र के सामने स्वच्छ सड़कें और छोटे बड़े हरे मैदान बड़े ही मनोहर लग रहे थे। नगर के बीच बहती झेलम जगह जगह उसे पार करवाने वाले अनेक पुल जिन्हें कदम कहते हैं दिखाई दिए। पहले स्त्री पुरुष का लंबा कश्मीरी चोंगा ऊनी कपड़े पगड़ी टोपी आदि देखते समय अनावश्यक लगते थे, मगर इस भूभाग की जलवायु का प्रत्यक्ष अनुभव करने पर इनकी जरूरत प्रमाणित हो गई। कगड़ी की आवश्यकता भी विदित हुई। मतलब क्या है, जब हम दूर से देखते हैं तो उनकी जो वेशभूषा है कश्मीरी लोगों की हमें देखते हुए अजीब सी लगती है, पर हम उस वेशभूषा को खुद ही धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं, जब उसके पर्यावरण उधर का जो पर्यावरण है वो कैसा है, ठंडा है, जब हम जाते हैं तो हम भी उन्हीं की वेशभूषा को धारण कर लेते हैं। सहज कौतूहल के कारण कश्मीर की भाषाओं के बारे में प्रश्न करने पर पता चला कि बोलियां कई हैं, पर श्रीनगर में मुख्य रूप से कश्मीरी और उर्दू बोली जाती है। श्री शंकराचार्य पहाड़ी श्रीनगर का सबसे ऊंचा स्थान है। यह मठ बहुत पुराना है और जनश्रुति के अनुसार यहाँ का मंदिर पांडव वंश के राजाओं ने बनवाया हुआ है।
जो ये मंदिर है वो किसने बनाया है? पांडव वंश के राजाओं ने बनाया है, महाभारत काल के समय का है। मतलब यहाँ शिव जी की और शंकराचार्य जी की मूर्तियां हैं, और मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। सब पहले सड़क से पैदल ही मंदिर तक पहुंच सकते थे, अब मोटर की सहायता से भी जाया जा सकता है। इस ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर श्रीनगर का काफी बड़ा हिस्सा दिखाई देता है। श्रीनगर की डल झील, तैरते बाग और उनके चारों ओर की पहाड़ियां भी निराले दृश्य बड़े ही मनोहारी हैं। केरल में जन्मे जगगुरु शंकराचार्य जी को उत्तरी भारतीय सीमा पर इस गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित देखकर मेरा मन गर्व से अनुभव करने लगा। पहाड़ी से जब हम उतरे तो उतर कर सड़क पर आया तो सामने डल झील में शिखारे हवा में झोंकों से झूल रहे थे। डल झील कश्मीर की जान है, शायर इसकी तारीफ करते ही नहीं अगाते। छायाकार इसकी रंगीन छवियों को भिन्न भिन्न कोणों से अब भी उतारते रहते हैं। प्रथम दृष्टि पर मेरा मन कहने लगा, कोचीन की विशाल झील के सामने यह कुछ भी नहीं, पर पहाड़, बर्फ, झील की नौका यात्रा, हाउस बोट आदि अनेक प्रकार के आनंद एक साथ ही एक जगह मिलते हैं तो कश्मीर में डल झील उसका प्रमुख केंद्र है। जब हम डल झील पहुंचे तब सांझ हो गई थी, अतएव सैर करने वाली भी भीड़ छट चुकी थी। इक्के दुक्के जो शिकारे थे वो ताल गति पर चुप मारते हुए भिन्न भिन्न दिशाओं में भटक रहे थे। एक शिकारे का मल्लाह हमें घुमाने के लिए तैयार हो गया। सिर पर कश्मीरी टोपी, दुबला पतला तन, छोटी पतली दाढ़ी, साधारण कपड़े, वह डंडा मारने लगा और साथियों को आवाज दे देकर कुछ बताने लगा। उसका चेहरा थकावट में भी खिल उठा था। अपने मित्र से मुझे मालूम हुआ कि वह ईद का चांद देखने की सूचना दे रहा था। हमें झटपट एक किनारे लगाकर वह बोला, अब मैं नहीं चलूँगा, नमाज पढ़ूंगा, दूसरे को ले जाए। एक शिकारे का मल्ला यूसुफ किशोर था। उसके हाथ बड़ी फुर्ती और चप्पू चला रहे थे। मेरे साथी भी साथ दे रहे थे। मौज में मल्लार ने गाने की सुरीली आवाज आने लगी। ठेठ कश्मीरी लोकगीत और ठेठ देहाती कंठ, दो चार पंक्तियां ही थी, उन्हीं को बार बार दोहरा रहा था। कश्मीर की मिट्टी में ही प्यार मोहब्बत की महक है। वहाँ की प्रकृति ने जिस प्रकार मिठास और मोहक रंग सेब और केसर से भर दिया है, उसी प्रकार मिठास और रंग यहाँ के किशोर और किशोरियों को दिल खोलकर प्रदान किया है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।